ये कोई काम है, सेवा नहीं। नहीं तो अक्सर कई साल सेवा करने के बाद लोग कहते हैं सेवा को फल नहीं लग रहा। भाई तू सेवा कर कहां रहा था, तू तो काम कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सेवा करने का ढंग ना आया तो दरबार लगा हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आनंदपुर साहब में। संगत बैठी है, एक मदारी आ गया, कहने लगा पाचा मेरा रिच है साथ में, अगर आप इजाजत दो तो मैं यहां पर रिच का नाच दिखाऊं संगत को, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा रोजगार है और आपकी आशीष भी मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे दिखा ले रिच का नाच। तो मदारी रिच का नाच दिखा रहा है, रिच को कह रहा है कि बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, अच्छे से नाच, बड़ा इनाम देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो रिच नाच रहा है, सारी संगत देख देख कर, रिच करतब कर रहा है, सारी संगत देख देख कर खुश हो रही, हंस रही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चौर बरदार भाई कीर्तिया, वो भी चौर साहब की सेवा कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर, वो भी जोर जोर से हंस रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे भाई कीर्तिया तुझे पता है रिच है कौन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुझे पता है रिच है कौन? भाई कीर्तिया कहने लगे महाराज मैं क्या जानू, मुझे क्या पता। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये तेरा पिता है भाई शोभा राम, रिच की जोनी में भटक रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत गंभीर हो गई, भाई कीर्तिया ने भी चौर रख दी, सोच में पड़ गया। क्यों सोच में पड़ गए? क्योंकि भाई शोभा राम जो उसको पिता थे, नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सारा जीवन उसने सेवा की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ भाई शोभा राम ने, भाई कीर्ति के पिताजी ने सारा जीवन सेवा की थी, सारा जीवन साथ में रहे थे गुरु साहब जी के, उसके बावजूद अगर रिच का जन्म, सारी संगत चुप कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और अगर ऐसे ही होना है तो सेवा करने का फायदा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कीर्तिया कहने के पाछा जो बात आप कह रहे हैं अगर ये सच है तो कोई सेवा नहीं करेगा कभी, मैं भी ये सेवा छोड़ रहा हूं। अगर सेवा करके गुरु को यही फल मिलना है कि 84 लाख जोनिया भुगतनी है तो क्या लाभ सेवा करने का? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे पहले पूरी बात सुन ले, ये तो समझ ले कि इतनी सेवा करने के बाद भी रिच का जन्म क्यों मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने मुखारविंद से घटना सुना रहे हैं कि तेरे पिता शोभा राम का स्वभाव बड़ा कड़वा था, संगत को बड़े कड़वे लफ्जों में बात करता था, क्रोध में बात करता था। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कई बार समझाया भाई संगत से प्रेम से बात करते हैं, विच संगत हर प्रभ वस्य जी। एक बात याद रखना साथ संगत जी, आप बाहर मिलो, आप रिश्तेदारी में क्या करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पर दुश्मन भी अगर संगत में आ गया है ना तो वो दुश्मन नहीं है, वो गुरु की संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे भी वाहेगुरु बुलाना है, उसे भी फतेह बुलानी है, प्रेम से बुलाना है क्योंकि वो संगत है अब गुरु के चरणों में आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और वाणी कहती है विच संगत हर प्रभ वस्य जियो, कि संगत में प्रभु बसता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये एड्रेस है उसका, जहाँ नाम जपने वाली संगत बैठी हो वहां पर गुरु नानक जरूर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने नौवे गुरु नानक ने कई बार समझाया पर तेरे पिता नहीं समझे, अपना स्वभाव नहीं बदला। एक दिन कड़ा प्रसाद बांट रहे थे, वो एक बड़ा ही प्यारा सिक्का, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बड़े कमाई वाला सहज अवस्था को प्राप्त हो चुका था वो गड्ढा लेकर जा रहा था, बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, उसपे सामान लदा हुआ था। चलती बैलगाड़ी छोड़कर वो दौड़ा चला आया अंदर कि गुरु साहब जी को दर्शन भी कर लू और प्रसाद भी ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में माथा टेका और आ गया संगत में, प्रसाद बंट रहा था प्रसाद लेने के लिए, और भाई शोभा राम से कहते भाई शोभा राम मुझे पहले दे दे कड़ा प्रसाद क्योंकि मेरा गड्ढा चल रहा है बाहर,
बैलगाड़ी चल रही है, नुकसान हो जाएगा, मुझे पहले दे दे, मुझे जल्दी। तो कहने लगे तेरे पिता क्रोध स्वभाव, उसे कहने लगे दूर हट, क्रोध से कहने लगे दूर हट, क्यों आगे चला आ रहा है, समय से मिलेगा जैसे सबको मिल रहा है। तो उसने फिर निम्रता से बेनती की, भाई मेरा गड्ढा चल रहा है, मुझे पहले दे दे, देना ही है, मुझे पहले दे दे। तो तेरे पिता भाई शोभाराम कहने लगे क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है, तुझे कहा ना पीछे हट। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कड़वे लफ्ज कह दिए संगत में। और जब कहा ना परे हट, तो उसके हाथ में कड़ा प्रसाद जो लगा हुआ था वो धरती पर गिर गया। तो वो सिख गुरु का प्यारा जो सहज अवस्था को प्राप्त हो चुका था, उसने वो कड़ा प्रसाद की धरती से उठाकर किनका अपने रसना पर रखा, आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इतने करले लफ्ज सुने। और कड़ा प्रसाद रसना को लगाकर कहने लगा रिच तो तू है, रिच तो तू है, जिसे संगत से बात कैसे करनी है, ये तमीज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई चाहे उसने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की सारा जीवन सेवा की, पर सिख के रसना से बचन निकल गए। और वाणी कहती है मेरी बांदी भगत छुड़ावे, बांदे भगत ना छूटे मोहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु ने अपने भक्तों को बढ़ियाई दी है कि गुरु शराब दे दे भगत छुड़ा सकता है, पर अगर भगत शराब दे दे गुरु नहीं छुड़ा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि सेवा करने का ढंग नहीं आया, सेवा करते हुए भी सारा जीवन नौवें गुरु नानक के साथ में रहकर भी उसे 84 लाख जोनियां भुगतनी पड़ी, रिच के जन्म में घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए साध संगत जी हाथ जोड़कर बेनती है, अगर आपका क्रोध पे कंट्रोल नहीं है सेवा मत करो, बैठकर कीर्तन सुन लो, पर ऐसी सेवा मत करो कि किसी का हृदय दुख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा में तो कोई संगत कई प्रकार की होती है, सबका अपना अपना स्वभाव है। अगर कोई आपको बुरे लफ्ज कह दे हाथ जोड़ दो, आगे से जवाब मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार का फर्ज है सुन के लेना, सुनाना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। सेवा का फल तब लगेगा जब वो सहेगा, अगर आगे से बोल पड़ा फल खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो संगत बुरे लफ्ज कह के जाती है ना सेवादार को, बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे दो लोगों का झगड़ा हो जाए, एक सुना रहा है दूसरा सुन रहा है, कहने के पूरा सत्संग करके जो उसने कमाई की थी सुनाने वाला सुनने वाले की झोली में अपना डाल के चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरे दिन की कमाई आपको देकर चला गया। जब कोई आपको अपशब्द कह रहा हो ना, खुशी से स्वीकार किया करो, वो अपनी कमाई आपको दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा प्रसाद की देख लेकर खुद छक्कर अपना शीत प्रसाद उस रिच को दिया और उसकी मुक्ति कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मदारी रो पड़ा, ये मेरा रिच। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे सेवादारों से कहकर बहुत सारा धन दिलवा दिया कि इतना धन इसने तुझे कमा के देना था, ये तू ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान की बात तो ये है कि अगर सेवा करने का ढंग नहीं आया तो सब कुछ गवा कर चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु।